नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशु गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय PBY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, आवासीय जमीन मात्र 1 लाख रुपए प्रति कट्ठा। शुक्रवार को मां के छठे स्वरूप मां कात्यायनी की हुई पूजा अर्चना, बंगला मंदिरों के खुले पट, माहौल हुआ भक्तिमय। मालदा रेल मंडल की DRM तनु चंद्रा पहुंची भागलपुर, रेलवे स्टेशन परिसर में सफाई व्यवस्था का लिया जायजा, दिए कई दिशा निर्देश। नाथनगर के जमुनिया नदी में नहाने के दौरान 7वीं के छात्र की डूबने से हुई मौत, मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों ने किया सड़क जाम। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से कार्यशाला का हुआ आयोजन, गरुड़ संरक्षण में सामाजिक सहभागिता पर हुई चर्चा। और पूर्व सांसद गुलो मंडल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश सरकार को बताया विफल, कहा उपचुनाव में सबक सिखाएगी जनता। और अब खबरें विस्तार से। दुर्गा पूजा को लेकर पूरा अंग प्रदेश भक्तिमय हो गया है। शुक्रवार को मां के छठे स्वरूप मां कात्यायनी की विधिवत पूजा अर्चना की गई। वहीं शहर के बंगला पूजा स्थानों पर पंचमी को मां की प्रतिमा वेदी पर स्थापित की गई। शहर के कालीवारी, दुर्गावारी और रिफ्यूजी कॉलोनी में मां की प्रतिमा को स्थापित कर पूजा अर्चना की गई, जबकि शहर के अन्य दुर्गा मंदिरों और पूजा पंडालों में शुक्रवार की देर रात मां की प्रतिमा वेदी पर स्थापित किया जाएगा और इसके साथ ही शनिवार से सभी मंदिरों के पट मां के दर्शन को खुल जाएगा। दुर्गा पूजा को लेकर शहर के कई मंदिरों में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। मालदा डिवीजन की DRM तनु चंद्रा शुक्रवार को भागलपुर रेलवे स्टेशन पहुंची। रेलवे स्टेशन पहुंचते ही DRM ने स्टेशन परिसर का निरीक्षण किया। तनु चंद्रा ने प्लेटफॉर्म संख्या 1 समेत पार्सल, वेटिंग रूम और शौचालय की सफाई व्यवस्था को देखा और संबंधित कर्मियों को नियमित रूप से साफ सफाई करने की बात कही। इसके बाद DRM ने प्लेटफॉर्म संख्या 2 और 3 का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्टेशन अधीक्षक समर कुमार ने DRM को कई जानकारी दी। वहीं DRM तनु चंद्रा ने पूजा स्पेशल ट्रेन की जानकारी और कहा कि दुर्गा पूजा के बाद भागलपुर स्टेशन नए लुक में दिखेगा। साथ ही सफाई व्यवस्था को लेकर DRM ने स्टेशन अधीक्षक को सख्त दिशा निर्देश दिया। मौके पर रेलवे के कई वरीय अधिकारी मौजूद थे। भागलपुर के नाथनगर में खेलने के दौरान जमुनिया नदी में डूबने से 12 वर्षीय 7वीं कक्षा के छात्र की मौत हो गई। मृतक छात्र की पहचान वार्ड संख्या 1 मंडप लेन बुद्धिचक निवासी तारनी मंडल के पुत्र गिरधारी मंडल के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि घर के समीप 3 से 4 फीट तक बाढ़ का पानी जमा है। उसी दौरान पानी में कुछ बच्चे खेल रहे थे। खेलने के दौरान मृतक छात्र गहरे पानी में चला गया, जिसके बाद साथ में खेल रहे बच्चों ने घटना की सूचना परिजनों को दी। वहीं स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद सबको नदी से बाहर निकाल लिया। वहीं आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर साहेबगंज चंपानगर मुख्य मार्ग को शव रखकर जाम कर दिया। जाम की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे नाथनगर CO राजेश कुमार ने बाढ़ आपदा के तहत सहायता राशि देने की बात कही, जिसके बाद जाम हटाया गया। की जानकारी आज लगभग 8 बजे प्राप्त हुई। घटना के दौरान जानकारी मिली है कि गिरधारी मंडल नाम का एक लड़का, जिसका उम्र 12 वर्ष है, वो नदी में के आसपास खेलने के दौरान वो डूब गया है, जिसकी लाश भी मिल गई है। इनका शव का पोस्टमार्टम की जाएगी और आपदा विभाग की तरफ से जो लाभ की राशि है वो 4 लाख की राशि इनके परिवार को प्राप्त होगा। भागलपुर के सुंदरबन में शुक्रवार को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से वन्य प्राणी सप्ताह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन वन पदाधिकारी S. सुधाकर, अरविंद मिश्रा और अन्य आगत अतिथियों ने दीप जलाकर किया। इस दौरान वन्य प्राणी सप्ताह के तहत गरुड़ संरक्षण में सामाजिक सहभागिता को लेकर मौजूद अतिथियों ने विस्तार पूर्वक चर्चा की। अरविंद मिश्रा ने कहा कि भागलपुर नौगछिया का कदवा इलाका गरुड़ प्रजनन का क्षेत्र है। पहले जहां गरुड़ की संख्या कम होती थी, अब वह बढ़ता ही जा रहा है। इस मौके पर दीपक कुमार सहित काफी संख्या में वन्य जीव प्रेमी मौजूद थे। हर एक साल जो है, जो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में हम लोग वन्य प्राणी सप्ताह मनाते हैं, उस तरह का इस साल भी हम लोग भागलपुर मंडल में विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन आश्रयणी को लेते हुए हम लोग वन्य प्राणी सप्ताह मना रहे हैं। आज 4 अक्टूबर को एक स्पेसिफिकली गरुड़ संरक्षण को
संरक्षण का टॉपिक लेकर के आज वन्य प्राणी सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। युवा राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा पूर्व सांसद शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल ने शुक्रवार को अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। पूर्व सांसद ने कहा कि बिहार की 5 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में जनता सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि नाथनगर विधानसभा की जनता को NDA के जनप्रतिनिधियों ने ठगने का काम किया है। उन्होंने राजद उम्मीदवार रविया खातून के पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील की। और सरकार की विफलता भी है, तो खास करके आज आप लोगों को इसी दोनों मुद्दे पर जो चुनाव होने जा रहे हैं, इस बार भाजपा JDU दोनों इस उपचुनाव में जनता पूरी तरह से सबक सिखाने का काम, जो नाथनगर विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव में राजद ने हमारे कैंडिडेट राबिया खातून जी को उम्मीदवार बनाने का काम किया है, इसके लिए तो मैं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी को मैं अपने तरफ से भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो कार्यकर्ता के लोगों के मन में जो एक बातें धीरे धीरे घर कर रही थी कि पैसे वाले आते हैं और कैंडिडेट बन जाते हैं, तो लालू प्रसाद यादव जी ने उस तिलिस्म को तोड़ने का काम किया है। नौगछिया पुलिस ने प्रतिबंधित लॉटरी का कारोबार करने वाले 2 एजेंट को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पकड़े गए दोनों आरोपियों के पास से 2500 लॉटरी टिकट और 28,000 रुपए बरामद किया है। नौगछिया SP निधि रानी ने कहा कि थाना अध्यक्ष राज कपूर कुशवाहा को प्रतिबंधित लॉटरी बेचे जाने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नोनिया पट्टी निवासी गंगा महतो और संजय महतो को धर दबोचा। SP ने कहा कि गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस लॉटरी कारोबार में शामिल लोगों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। आज नौगछिया जिला अंतर्गत शाम को एक स्पेशल टीम हम लोगों की है, बाजार की गतिविधि, बाजार में जो लॉटरी या जुए से संबंधित गतिविधियां रहती हैं उन पे नज़र रखने के लिए, तो स्पेशल टीम के द्वारा आज शाम में वहां से 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से लगभग 28,000 रुपये कैश मिला है और 25 जो है वो गड्डी मिली है लॉटरी की टिकट्स की, जिसमें हर एक गड्डी में 100 टिकट्स है, मतलब टोटल 2500 टिकट्स मिला है। दोनों युवकों से अभी अगरतल पूछताछ की जा रही है और कांड दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए Silk TV। अगर शहरों में रहने की तमन्ना हो तो क्यों ना एक घर अपना हो, अगर PVY आस्था ड्रीम्स आपका अपना हो तो क्यों बाजारे महफिल में भटकना हो। PVY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा में आकर्षक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस प्रोजेक्ट में पहले पोजिशन पाएं फिर रजिस्ट्री कराएं। 30 फीट चौड़ी सड़क, नाली, 24 घंटे बिजली, पार्किंग, जिम, हॉस्पिटल एवं अन्य कई सुविधाओं के साथ वास्तु को ध्यान में रखकर बनाया गया मंदिर और चिल्ड्रन पार्क भी। PVY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड मासिक किस्त मात्र 10,000 पर उपलब्ध, तो अभी बुकिंग कराएं मात्र 51,000 रुपये में। आवासीय जमीन मात्र 1,00,000 रुपये प्रति कट्ठा, तो जल्दी फोन उठाएं और संपर्क करें 7701097573 7542931524 6200122297 बलुआ टोला करेला नाथनगर भागलपुर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे सिल्क टीवी, आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। दुर्गा पूजा को लेकर बाजारों में काफ़ी रौनक है और खरीदारों में उत्साह देखा जा रहा है। वहीं एक ही छत के नीचे अगर आप अपने परिवार के साथ लेडीज मेंस और किड्स वेयर की खरीदारी करना चाहते हैं तो चले आइए भागलपुर खलीफाबाग चौक के समीप सिटी सेंटर में। चार माह पूर्व जहां सिटी सेंटर में केवल लेडीज किड्स फुटवेयर और ज्वेलरी उपलब्ध था, वहीं अब यहां से आप पुरुष परिधान जैसे जींस शर्ट, टी शर्ट, शेरवानी, बंडी समेत कई प्रकार के ब्रांडेड कपड़े खरीद सकते हैं। इस त्यौहारी सीजन में सिटी सेंटर ग्राहकों के लिए नई रौनक बनकर उभरा है। शोरूम के प्रोपराइटर मोहम्मद कमर ने बताया कि सिटी सेंटर अपने गुणवत्ता और ब्रांड के कारण भीड़ से अलग है। वहीं संचालक बबलू ने कहा कि हमारे यहाँ मेंसवेयर की खरीदारी पर 20% तक की छूट दी जा रही है, जबकि सभी प्रकार के लेडीज आइटम पर 5-15% तक डिस्काउंट है। सिटी सेंटर में महिला, पुरुष और बच्चों के लिए हर रेंज के कपड़े उपलब्ध है। संचालक ने बताया कि भीड़ से अलग प्रोडक्ट ही हमारी मार्केटिंग थीम है, साथ ही महिलाओं के लिए कंप्लीट रेंज एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। सलवार सूट, साड़ी, लेगिंग्स और चुनरी से लेकर कॉस्मेटिक और सभी प्रकार के वेस्टर्न वेयर भी मौजूद है। वहीं सिटी सेंटर के संचालक बबलू ने ग्राहकों को दुर्गा पूजा की शुभकामना देते हुए अटूट विश्वास का भरोसा दिलाया। अपने सहवासियों की वजह से आज 5 महीने में हम अपने आप को बहुत अच्छी जगह पर खड़ा कर पाए हैं। जो हमारा मकसद था, बड़े शहरों की तरह अपने इस शहर को अच्छी तरह से मार्केट में उतारना अपने प्रोडक्ट को। यहाँ पे दुर्गा पूजा के लिए नए कलेक्शन सारे आए हुए हमारे पास, जिसमें सहवासियों के सहयोग से, उनके मोहब्बत से मैंने एक सेक्शन को स्टार्ट किया है, वो है जेंट्स। पहले हम बच्चा और लेडीज़ कर रहे थे, अब जो है मेंस का भी हमने सारा प्रोडक्ट फुटवेयर से लेके इनरवेयर से लेके ऑल आइटम, और इसमें हमारा जो टारगेट है सही रेट पर सही चीज़ों को एक अच्छे एटमोसफेयर पर देना। भागलपुर नगर निगम सभागार में शुक्रवार को भौगोलिक सूचना प्रणाली पर आधारित संपत्ति कर सर्वेक्षण और आधार नक्शे को अद्यतन करने पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर आयुक्त जय प्रियदर्शनी ने की। इस दौरान हैदराबाद की कंपनी रिमोट सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट के अधिकारियों ने सभी टैक्स निरीक्षकों को शहर के भौगोलिक नक्शे की प्रोजेक्टर के माध्यम से विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इस मौके पर सभी 51 वार्ड के टैक्स दरोगा और कंपनी के प्रतिनिधि मौजूद थे। जिले में बाढ़ की मार झेल रहे पीड़ितों की मदद में कई सामाजिक संगठन जुटे हुए हैं। प्रभावित इलाके में नाव से जाकर कहीं सुरक्षित सूखा राशन बांटा जा रहा है तो कहीं भोजन कराया जा रहा है। वहीं शुक्रवार को बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए प्राइवेट टीचर्स एसोसिएशन भी आगे आया। भागलपुर पीटीए की ओर से नाथनगर के दोगच्छी इलाके में शिक्षकों ने बाढ़ पीड़ितों के बीच करीब 200 साड़ी का वितरण किया और पीड़ितों को मदद का भरोसा दिलाया। पीटीए के अजय कुमार यादव ने कहा कि शनिवार को बाढ़ पीड़ितों के बीच भोजन भी वितरित किया जाएगा। वहीं रात सामग्री पाकर ग्रामीणों में काफी खुशी देखी गई। मौके पर पीटीए के अध्यक्ष डॉक्टर अमरेंद्र कुमार, सचिव आशीष रंजन, कोषाध्यक्ष विनय कुमार, उमा शंकर शर्मा समेत कई शिक्षक और छात्र मौजूद थे। भागलपुर के द्वारा दोगच्छी जो नाथनगर प्रखंड में बाढ़ पीड़ित है, उन प्रत्येक घरों में लगभग 200 साड़ी का वितरण किया गया है और ये सभी हमारे पीटीए के सभी सम्मानित सदस्यगण के द्वारा वितरित किया गया है। भागलपुर में प्राइवेट टीचर एसोसिएशन बनाए हुए हैं, उसके तरफ से सारे टीचर मिल करके बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में घूम घूम कर सर्वे कर रहे हैं। जहाँ ज़्यादा बाढ़ पीड़ित लोग क्षेत्र हैं वहाँ हम लोग सारे वितरण करने का पीटीए के तरफ से जाकर जो जितना भी बन सहयोग बन सका उतना अनुसार से आगे जो है कि यहाँ पर दोगच्छी नाथनगर प्रखंड में आकर के यहाँ पर साड़ी वितरण किया गया लगभग 200 घरों में। उसके बाद फिर आगे भी कल का भी कार्यक्रम है, आज साड़ी वितरण किया गया बारात के तहत। उसके साथ ही साथ कल का भी कार्यक्रम रहेगा, जहाँ जहाँ भागलपुर के इर्द गिर्द या भागलपुर में जो भी बाढ़ से पीड़ित लोग हैं उनके बीच हम लोग जाकर के विभिन्न तरह का सामान, जैसे चूड़ा, गुड़िया, जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनको, उनके बीच हम लोग सामग्री का वितरण करेंगे। लायंस क्लब ऑफ सिल्क सिटी की ओर से शुक्रवार को बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया गया। इस दौरान लायंस क्लब के सदस्यों ने नाव पर सवार होकर रत्तीपुर, बेरिया, शंकरपुर, बिंदटोला एवं दियारा इलाकों में भ्रमण कर बाढ़ पीड़ितों के बीच सत्तू, मिल्क पाउडर, नमक और बिस्कुट का वितरण किया। इस मौके पर सचिव शंभु भगत, सुनील दारोका, स्वाति, रश्मि सहेला, संजय लाठ एवं अलका सहित क्लब के कई सदस्य मौजूद थे। नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा परिषद की ओर से आनंद राम ढंडनिया सरस्वती विद्या मंदिर के भैया बहनों द्वारा एकत्र किए गए चूड़ा, गुड़, नमकीन सहित आवश्यक सामग्री का वितरण नाथनगर क्षेत्र के चर्च मैदान में शरण लिए बाढ़ पीड़ितों के बीच किया गया। राहत सामग्री वितरण के दौरान प्रधानाचार्य अनंत कुमार सिन्हा, उप प्रधानाचार्य रविशंकर पांडे, मनोज कुमार झा, नवनीत, मोहित आनंद और मीडिया प्रभारी पंकज उपाध्याय सहित विद्यालय के भैया बहन मौजूद थे।
दुर्गा पूजा को लेकर पंजवारा पुलिस ने सघन वाहन तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान झारखंड की ओर से आने वाले सभी वाहनों की जांच की गई, जिसमें कई वाहन चालकों से जुर्माना राशि भी वसूली गई। एएसआई मनोज कुमार सिंह ने कहा कि दुर्गा पूजा को लेकर अवैध शराब तस्करों और अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान वरीय पुलिस अधिकारी के निर्देश पर चलाया जा रहा है। बांका अमरपुर में दुर्गा पूजा को लेकर होने वाले रावण वध के लिए शुक्रवार को एसडीओ मनोज कुमार चौधरी ने स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीओ ने अमरपुर दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष प्रदीप कुमार को रावण प्रतिमा की ऊंचाई 15 फीट के अंदर रखने का निर्देश देते हुए कहा कि रावण दहन के समीप किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाए। साथ ही एसडीओ ने पंडाल और लाउडस्पीकर के लिए अनुमति लेने की बात कही। वहीं एसडीओ ने कहा कि पूजा और विसर्जन के दौरान डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा और निर्देश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार मनाने की बात कही। इस मौके पर सीओ सुनील कुमार शाह, थाना अध्यक्ष कुमार सन्नी, युवा नेता सन्नी कुमार शाह, धीरज कुमार, राकेश कुमार सहित दर्जनों लोग मौजूद थे। चलते चलते फिर से एक नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय पीवीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, आवासीय जमीन मात्र 1 लाख रुपए प्रति कट्ठा। शुक्रवार को मां के छठे स्वरूप मां कात्यायनी की हुई पूजा अर्चना, बंगला मंदिरों के खुले पट, माहौल हुआ भक्तिमय। मालदा रेल मंडल की डीआरएम तनु चंद्रा पहुंची भागलपुर, रेलवे स्टेशन परिसर में सफाई व्यवस्था का लिया जायजा, दिए कई दिशा निर्देश। नाथनगर के जमुनिया नदी में नहाने के दौरान 7वीं के छात्र की डूबने से हुई मौत, मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों ने किया सड़क जाम। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से कार्यशाला का हुआ आयोजन, गरुड़ संरक्षण में सामाजिक सहभागिता पर हुई चर्चा। और पूर्व सांसद बुलो मंडल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश सरकार को बताया विफल, कहा उपचुनाव में सबक सिखाएगी जनता। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।